हमारा आज का मेन टॉपिक है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि शुगर किस तरह से रेटिना पर प्रभाव करती है उसको समझना, उसके लक्षणों को समझना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रभजोत कौर है और मैं द साइट एवेन्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हूँ। तो समझते हैं किस प्रकार से डायबिटीज आपकी आंखों पे असर कर सकती है। तो रेगुलर बेसिस पे जब शुगर्स आपकी फ्लक्चुएट करती हैं, तो छोटी छोटी चीजें कर सकती है, जैसे कि ड्राई आईज, आंखों का रूखापन, जिसको हम लुब्रिकेंट्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड, चश्मे के नंबर का फ्लक्चुएट होना। अगर आपकी शुगर अचानक से एक छोटे से ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो आपके चश्मे का नंबर फ्लक्चुएट कर देती है, जिसकी वजह से अपने चश्मे के साथ आपको धुंधला दिखाई देता है। बट इस चीज को अगर आप कंट्रोल कर लें, तो आपका चश्मे का नंबर बैक टू प्रीवियस नंबर दोबारा आ जाता है। इसके अलावा जो दूसरी नुकसान जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, वो है जैसे कि कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाना, यानी कि सफेद मोतिया बन जाना। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल रहे बहुत समय तक, तो ये आपको जल्दी आपके आंखों में कैटरेक्ट डेवलप कर सकती है। इसके अलावा काले मोतिया का डेवलप होना, यानी कि ग्लॉकोमा, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, इसके साथ में साथ की दूसरी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों की वजह से आपकी आंखों पे काला मोतिया बनने का भी असर बन जाता है। तो आप समझते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी शुगर का होने वाला जो पर्दे पे असर है, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि ये बीमारी अर्ली स्टेजेस में इसके कोई लक्षण ही नहीं होते, यानी कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, और इसीलिए इसको इसी स्टेज पे आइडेंटिफाई करना और भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब इसके लक्षण आपको महसूस होते हैं, यूजुअली तब तक डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ट्रीटेबल स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां पे इसके ट्रीटमेंट हम अलग अलग चीजों से करते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस, लेजर्स या रेटिना सर्जरीज। अब लक्षण क्या होते हैं? जब तक आपको दिक्कत महसूस होने लगेगी, तो आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, आपको कॉन्ट्रास्ट कम दिखेगा चीजों पे, कई बार रोशनी का ज्यादा चुभना, ये भी एक तरीके का लक्षण होता है। इसके अलावा अचानक आंखों की रोशनी खत्म हो जाना, या काले काले बादल जैसे मच्छर आंखों के आगे घूमने लग जाना, ये सारे लक्षण होते हैं, यही लक्षण होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के। तो जब पर्दे पे सूजन आती है, जिसे कहते हैं डायबिटिक मैक्युलर एडिमा, उसमें सारी चीजें धुंधली या टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, और जब पर्दा हट जाता है या ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें आपकी रोशनी अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाती है।